और हमने यहाँ पे प्याज और अभी हम हरी मिर्ची को भी, और इसके अंदर पानी डलता है मतलब पानी, अभी इनको हम निकाल लेंगे पकौड़े सिक्के में। हरी मिर्ची भी तलती सो, कितने गजब के आनंद आ जाएगा खाते ही। हेलो, राम राम जी, नमस्ते। और साहब कैसे हो जी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए आज बनाते हैं बरसाती मौसम का बहुत ही फेवरेट स्पेशल प्याज पकौड़े। प्याज पकौड़े बनाएगी सोनी, आज मेरे को बता दिया था। तो सोनी आज गली में बैठ के बनाएंगे या दर पकौड़े हैं या किचन में बनेंगे? कटिंग गली में करिए। अच्छा, बाहर की हवा लग रही है खुली इसलिए है। राम राम जी सभी को। तो चलिए आज हम बनाते हैं प्याज के पकौड़े। और हमने यहाँ पे प्याज थोड़ी ज़्यादा ही लिए, करीब 250-250 ग्राम प्याज हो गए हैं सोनी। और इसको छील लिया है और अच्छे से अभी धो लेंगे। और मिर्ची लिए हैं करीब 4-5, कुछ लहसुन भी है, अदरक भी है, तो सभी को अच्छे से धो लेते हैं। अभी हम प्याज को कटिंग करते हैं और प्याज का बड़ी बड़ी कटिंग करेंगे। सोनी जी जाए तो काट दे दीजिए, गैस बनाती है। काट दो भाई, देख बहुत काट रही है। तो निकाल दे कर जाए बिल्कुल व्याम में दे, ऐसे लंबे लंबे आकार में हम काटेंगे। बड़ी बड़ी प्याज रखेंगे हैं। हाँ, रोवा रही है। तो प्याज अभी हमारी कट चुकी है तो ये देखिए, हम इसको अलग अलग करते हैं। हाँ, प्याज की जो परतें चढ़ी होती हैं तो उनको छुटा देंगे। और अभी हम हरी मिर्ची को भी काट लेंगे, बारीक बारीक कटिंग करेंगे। मिर्ची को बीच में से फाड़ के, और अभी यहाँ पे धनिया भी कटिंग कर दिया है सोनी ने। तो अब क्या रह गया है, लहसुन और अदरक, तो इनको भी कटिंग करते हैं। मुँह में पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी बना लो। बस बना रहे हैं प्याज पकौड़े। जब झटपट कुछ नाश्ता बनाना हो तो झटपट से बना सकते हैं प्याज पकौड़े। बहुत ही जल्दी कम समय में बनके तैयार होते हैं और इतने टेस्टी तैयार होते हैं कि ऐसे बच्चे ना, ऐसे छोटे छोटे, ये भी चट कर जाते हैं मानसू। और अब हम लहसुन को लेंगे और इसको कद्दूकस कर देंगे। लो, इसको तो तपेले में कर देंगे उसी में, है डायरेक्ट। लहसुन और अदरक दोनों को कद्दूकस कर लेंगे, दोनों को करें। अभी अदरक को भी कद्दूकस कर लेंगे। या तो कद्दूकस करके डालें या पीस के डालें, कैसे भी डाल सकते हैं, कूट के डाल दें। और अभी मिर्ची को भी डाल देंगे प्याज में और धनिया को भी डाल देंगे। और ये लिए हमने कड़ी पत्ता यानी मीठा नीम, तो इसको भी काट के डाल देंगे, कटिंग करके डाल लेंगे। अब हम डालेंगे सूखा मसाला। कड़ी पत्ता डालने से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है सब्जी। थोड़ा सा लेंगे हम हल्दी पाउडर, बिल्कुल 2 चुटकी, और थोड़ी सी लेंगे लाल मिर्ची पाउडर। और नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, और आधी चम्मच लेंगे हम अजवाइन। अजवाइन को कैसे मिड़ के डालेंगे, चम्मच जीरा लेंगे, जीरो को भी ऐसे मिड़ के डालेंगे, कैसे खुशबू आने लगे। और हींग डालना बहुत ज़रूरी है तो हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हींग। और ये थोड़ी नहीं, बहुत है, इतनी हींग काफ़ी है। इतनी हींग से ही बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। और अभी इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे और इसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। क्या था बेसन वहाँ, तो चल जाओ। अभी देखो ये भी मसाला बन के तैयार होगा, इसको ऐसे ही खा जाएंगे अगर खाना चाहे तो बच्चे हैं। नींबू निचोड़ के, नींबू निचोड़ के बन गई चाट। और अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन एक साथ कितना डालेंगे? नहीं डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके डालेंगे इसमें। अच्छा, जितना प्याज लेगी बेसन उतना ऐड करेंगे इसके अंदर।
अभी फिर से और डालेंगे हम इसमें बेसन और अच्छे से मिला लेंगे। और एकदम कुरकुरे क्रिस्पी इसके साथ में है, तो हरी चटनी थोड़ी सी और थोड़ी सी इमली की चटनी हो तो आनंद आ जाएगा। इमली की चटनी तो है दोस्तों। आप सभी को हमारे रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक करने से हमको बहुत हिम्मत मिलती है कि चलो हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो क्यों ना एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आए। अभी देखो हम इसमें मिलाते जा रहे हैं बेसन, मिलाते जा रहे हैं, इसमें हमें पानी नहीं डालना वहाँ, और इसके अंदर पानी डलता है, मतलब पानी नहीं डलता है प्याज के अंदर। ये जो प्याज जितना बेसन लेगी ना यही लेगी अपने आप, यही पानी छोड़ती जाएगी, बेसन इसमें डालते जाएंगे हम। और अभी तो टाइट होने लग गया कि और भी डलेगा अभी। हाँ, थोड़ा सा और डालेंगे, थोड़ा सा और डलेगा अभी बेसन इसके अंदर, फिर बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही सुंदर पकौड़े, जिसको कोई एक बार खा ले तो हफ्ते में दो चार बार तो बनवा ही ले। और अभी बेसन परफेक्ट मिल चुका है तो चलिए अभी हम बनाते हैं पकौड़े। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी और इसमें डाल दिया सरसों का तेल, और आप अपने हिसाब से जिसमें आप पसंद करते हैं उसमें सेक सकते हैं रिफाइंड घी या तेल। हमारे घर में तो सरसों का तेल चलता है। नहीं, हमारा फेवरेट सरसों का तेल। और चलिए अभी हम बनाते हैं पकौड़े। तो बस हाथ से अपने हिसाब से आप बना सकते हो, थोड़ा छोटा बड़ा, तो हम मीडियम बनाएंगे। ऐसे जोड़ जोड़ के प्याज को, प्याज को आपस में जोड़ देंगे और इनको हम सेक लेंगे। तो जब प्याज दिखेगी ना, इसमें ज़्यादा बेसन नहीं है, प्याज है, मसाले हैं, हरी सब्जियां हैं, तो ये बहुत ही गजब के बनते हैं पकौड़े, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हो। और अभी ये सिक गए ना एक तरफ से, तो अभी इनको हम पलट देंगे। और इनको सिकने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गैस कितनी रखेंगे सोनी? हमने थोड़ी मीडियम से ज़्यादा रखी है, तो मीडियम आंच पे हम इनको सेकेंगे। जले ना ही अच्छे से सिक जाए। और अभी 2 ही मिनट हुई हैं और 2 मिनट में देख सकते हैं हमारे पकौड़े आधे से ज़्यादा तो तल गए, आधे से ज़्यादा मतलब सिक गए, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इनको सिकने में बस। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय, कभी बारिश हो जाती है कभी नहीं होती, तो मचक सी पड़ रही है। हल्की सी बारिश और हो जाए तो फिर आएगा इनको खाने का असली आनंद। अभी सीख गए? हाँ। तो अभी हमारे पकौड़े सीख चुके हैं, अभी इनको हम बाहर निकाल लेंगे। बिद्दू ज़्यादा सीख गए थे। और कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में, गजब के, पूरी प्याज दिख रही है। तो हमारे 2 पकौड़े ज़्यादा सिक गए थे तो उनको हमने निकाल लिया है, बाकी के ये भी सिक रहे हैं, थोड़ा पीछे रह गए। हम थोड़ा इनको क्रिस्पी ही करेंगे, जैसे खाने में आनंददायक कुरकुराए, तो ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करने हैं, सो कड़वे हो जाएं, सिकने के हिसाब से ही करने हैं। अभी इनको हम निकाल लेंगे, अभी अच्छे से सिक चुके हैं, बढ़िया कलर भी आ गया, बढ़िया खुशबू भी आ रही है, और ये देख सकते हैं कितने गजब के पकौड़े सिक्के तैयार हुए। चलिए झटपट सभी को इसी प्रकार से बना के तैयार करते हैं। देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने से ही, तो खाने से कितने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और अभी हमारे ये भी पकौड़े सिक्के दोबारा जो डाले थे तो सभी को निकाल लेते हैं, एक बार की और हो जाएंगे सोनी। हाँ। तो 3 बार में पकौड़े बन के हमारे तैयार, फिनिश।
चलिए इनको भी डालते हैं। देखो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से प्याज को चिपकाते हैं ना आपस में, आराम से चिपक जाती है देखो। और बस कढ़ाई में डाल दीजिए। दोस्तों अभी ये हमारे पकौड़े बन के हो गए तैयार, और देख सकते हैं कितने बढ़िया, और बीच में हमने रख दिए सॉस। तो सॉस से पसंद है तो इससे खा सकते हैं, बिना सॉस के भी खा सकते हैं, स्वादिष्ट दोनों तरीके से लगेंगे आपको। ये देखिए साथ में हरी मिर्ची भी तल दी सोनी ने, अब इनका साथ हो या ना हो साथ में खाइए, आनंद आ जाएगा। और आप सभी को आज के हमारे पकौड़े रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अभी इनको हम चलिए टेस्ट करवाते हैं। ये ऐसे देखो, ऐसे वैसे नहीं दिख रहा, ऐसे देखो कितने गजब के, आनंद आ जाएगा खाते ही। ये बैठे हैं टेस्ट करने वाले, तो अभी टेस्ट करके बताएंगे आप सभी को कि हमारे पकौड़े कैसे बने हैं आज के। लो खाइए, वैसे भी भूख लगी थी। मस्त है, बढ़िया बढ़िया बने हैं, बढ़िया बने। तो आज हमने बनाए हैं प्याज के पकौड़े, और हमारे पकौड़े हो गए पास, एकदम फर्स्ट क्लास बने हैं। हिमांशु पकौड़े पकौड़े बन के भक्के आओ, दौड़ लगा के। अभी हमारी अम्मा जी बताएंगे कैसे बने। अम्मा जी बोलिए। अच्छे लग रहे हैं, बिना चटनी खा रही है, सादा चटनी तो लगा ले। चटनी से खा के देखो, बताओ कैसे बने हैं। बढ़िया टेस्ट, बढ़िया बढ़िया टेस्टी। हिमांशु खा के बताओ, जल्दी खाओ। और राज, अरे राज कैसे लग रहे हैं, अभी चेक कर ले कि ना करे, वैसे कह दीजिए बहुत अच्छे। लाइक कर दो वीडियो को। दोस्तों सभी टेस्ट कर रहे हैं, और हम भी टेस्ट कर लेते हैं और आपको स्वाद बताएं। तो हमने थोड़ी सी सॉस लगाई और उसके बाद में खाएंगे सॉस के साथ में। ये तो बिना सॉस के भी मस्त लग रहे हैं, गजब। आवाज़ सुन सकते हैं कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आनंद आ गया, एकदम मुंह खुल गया, इतना मस्त पकौड़े बने, सभी को मस्त लगे। तो हमारी मत मानो, एक बार आप बना के देखिए फिर बताना कैसे स्वादिष्ट कैसे लगे, है ना, सही बात है कि नहीं। तो आप सभी, हाँ, और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में वीडियो को लाइक और वो क्या बोलते हैं बेल आइकन, उसको जरूर दबाना, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए, हाँ आती रहे। और आप सभी को आज का हमारा कुकिंग वीडियो कैसा लगा, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कल फिर मिलाएंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।